इसी हरियाणा के एक बहुत मशहूर नाल वादक ने अपने ढोलक को बेचा है, रोटी के लिए बेचा है कोरोना काल में। आप सोचिए कि कितनी बड़ी त्रासदी से हम गुजर रहे हैं। अकबर की सत्ता की जिम्मेदारी बनती है कि सांस्कृतिक कर्मियों की हिफाजत करे, उनको न्यूनतम जीने की गारंटी दे। अगर वो आप नहीं देंगे तो हमारी लोक संस्कृतियाँ भी खत्म होगी, सांस्कृतिक कर्मी भी खत्म होंगे और समाज के एक बंजर बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी और इस समय मैं हूं जोगिया गांव में, जोगिया जबुन पट्टी जो कि कुशीनगर में फाजिल नगर के पास, ये बहुत ही ट्रेडिशनल गाँव है और यहाँ पर लोक रंग उत्सव आयोजन होता है पूरे 2 दिन का। और इस पूरे आयोजन में लोकगीत, लोक नाटक, लोक नृत्य, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, संगोष्ठी होती है और राष्ट्रीय स्तर का 2 दिवसीय आयोजन होता है। और इस पूरे आयोजन के जो सूत्रधार हैं सुभाष चंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद सर। के बारे में मैं बताऊं कि आप बड़े कहानीकार हैं और इतिहासकार हैं, तमाम किताबें हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज हम उन पुस्तकों पर और उन किताबों पर बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे लोक रंग उत्सव पर। तो सबसे पहले सर कि ये कि लोक रंग उत्सव आयोजन करने का जो कॉन्सेप्ट है कि हम गांव में ही करेंगे इस आयोजन को, क्योंकि जब हम बड़े शहरों में करते हैं तो उसका विस्तार होता है, पूरी दुनिया के सामने वो चीज़ें आती हैं, लेकिन हम अपने गांव में इस चीज़ को शुरुआत किए हैं और पिछले बार 11 साल से आप कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद रहा? देखिए, हमारी लोक संस्कृतियाँ हैं वो गाँव से उत्पन्न हुई हैं, गाँव की आम जनता से पैदा हुई हैं और श्रमशील समाज के द्वारा पैदा हुई हैं, जो खेतों में काम करते रहे, जो धान कूटते रहे, आटा पीसते रहे। इन श्रमशील समाज ने वाचिक परंपरा में श्रम के अंदर एक आनंद की तलाश में लोकगीतों का सृजन किया और लोकगीतों से उन्होंने एक मानसिक खुराक अपने लिए तैयार की। तमाम कुपोषण और अभावों में जीते हुए ये दुनिया जो ग्रामीण दुनिया है, इसको जीने के लिए एक मानसिक खुराक भी चाहिए। यहाँ फिल्में नहीं हैं, गांव में बहुत सारे मनोरंजन के साधन नहीं हैं, फिर भी गांव की जनता सदियों से वाचिक परंपरा में अपने खुद के रचे हुए गीतों के द्वारा अपनी विसंगतियों को, समाज की विसंगतियों को, अपने दुख दर्दों को व्यक्त करती रही है और इस तरह वो एक ऊर्जा प्राप्त करती रही है। इसलिए मैंने सोचा कि गांव में ही लोक रंग को स्थापित किया जाए, क्योंकि लोक संस्कृतियाँ गाँव से पैदा हुई हैं, गाँव के लोगों द्वारा पैदा हुई हैं, इसलिए इसका मंचन वहीं किया जाए और उन्हीं के बीच में किया जाए, जिससे वो ये समझे कि हम जो प्रस्तुत करते हैं, जो गाते हैं, जो बजाते हैं, वो सामान्य चीज़ नहीं है, वो वाचिक परंपरा में ग्रामीण समुदाय का एक ग्रंथ है, एक साहित्य है और उसको हम मंच पर सम्मान के साथ प्रस्तुत करते हैं कि सब दुनिया भी, बाहर से लोग जो आते हैं वो भी देखें कि नहीं, ये वाचिक परम्परा की जो पूरी की पूरी थाती है, सांस्कृतिक थाती हमारी है, उसके अंदर बहुत सारी संवेदनाएँ, मानवीय गुण छिपी हुई है और वो उसके अंदर इतनी ताकत है कि भाषा को, संस्कृत को और समाज को समृद्ध कर सकती है और इसलिए हमने आयोजन इस वजह से होता है। मैं देखता हूँ मंच पे स्लोगन जो लगा रहता है कि सांस्कृतिक भणैती और फुहड़पन के विरुद्ध और जन संस्कृति के संवर्धन के लिए, तो आज जो पूरे समाज में जो लोक संस्कृतियों में जिस तरीके से फुहड़पन आ रही हैं, वो चीज़ें आ रही हैं, तो इस मंच के माध्यम से हम क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, फुहड़पन जो है ना, वो समाज के एक वर्ग को जो कि एक तरीके से अधिनायकवादी तरीके से शासन करता है, फुहड़पन उसके लिए एक बड़ा जरूरी औजार होता है और फुहड़पन के द्वारा समाज को एक सतही मनोरंजन करते हुए उसको अपने गिरफ्त में ले लेता है हमको, जबकि वो गिरफ्त जो है वो आम जनता के विरुद्ध जाता है। इसलिए हमें फुहड़पन का निषेध करना चाहिए, उसको नकारना चाहिए, क्योंकि देखिए फुहड़पन अंततः उसी समाज का मजाक बनाता है जिस समाज के बीच से लोकगीत आती है। तो आप अपने पैरों में ही अपनी संस्कृति को नीचा दिखाते हैं, इसलिए फुहड़पन का निषेध होना चाहिए। और हमारे पास बड़ी समृद्ध थाती है भोजपुरी में, भोजपुरी में तो ऐसे ऐसे गीत हैं कि आप गाइएगा तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपके संवेदना, आप तो बहुत स्वयं ही आप बहुत अच्छे सांस्कृतिक कर्मी हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब सरकार लो खटिया जाड़ा लगी, आप क्या बताना चाह रहे हैं इन गीतों में? आप गीतों में बताइए ना कि फेंक दिए ले थरिया, बलम उगैले झरिया, पहुँच ले कि ना आइल बाटे ना खबरिया, पहुँच ले कि ना, क्या दर्द है उस स्त्री का, दर्द की
को देखिए जो गांव में बैठकर अपने पति को, जो मजबूरी में गया है बाहर, माइग्रेशन मजबूरी में होता है, भूख के लिए होता है, रोटी के लिए वो गया है झरिया कोयलारी में, कोयले की खदान में घुसना सबसे ज़्यादा कष्टदायक काम रहा है। और पहले तो लोग ये कहते थे जो कोयलारी गया वो लौट कर नहीं आएगा, तो उस पीड़ा को वो स्त्री। एक चीज़ ये मैं देखता हूँ कि जैसे हमारे जो ट्रेडिशनल जो लोक नृत्य हैं, लोकगीत है, तो उसमें जो फोड़फन आया है, तो कई बार मैं देखता हूँ कि उन ट्रेडिशनल लोकगीतों और लोक नृत्यों को भी फॉर्मेट करके इस मंच से प्रस्तुत किया गया है, उनको मतलब परिमार्जित करके, तो उसके पीछे किस तरीके की मेहनत होती है, किस तरीके से वो चीज़ आती है? नहीं नहीं, मेहनत नहीं होती है, और चलाक और धूर्त लोगों का काम होता है, ये चलाक और धूर्त लोग काम होते हैं, और व्यवसायिक दृष्टिकोण से वो देखते हैं कि अपने फुअड़पन को भी कुछ जो है ट्रेडिशनल तरीके को अपना कर वो मार्केट में परोस दें, बेच दें, तो ये पूरा मार्केटिंग का खेल है, उनका कोई सरोकार नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, समाज के बारे में, समाज की भलाई में, समाज की संवेदना से उनका कोई लेना देना नहीं है, ये शुद्ध रूप से व्यवसायिक काम है। जैसे फेयर एंड लवली का व्यवसाय है, जिससे कि उसमें कोई फेयर नहीं है, कोई लवली नहीं है, बट वो फेयर एंड लवली है, वही इस गीतों के में भी किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल, बहुत समय कम है हम लोग के पास, कि जिस तरीके से आज हमारा सामाजिक वातावरण जो बना हुआ है, और एक जो सांस्कृतिक संकट के दौर से अगर हम कहें कि हम गुजर रहे हैं, और ख़ास करके युवाओं के जो मस्तिष्क पर जिस तरीके से प्रभाव डाला जा रहा है, तो ऐसे परिवेश में, ऐसी स्थिति में संस्कृति कर्मियों की, साहित्यकारों की, कलाकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए? बड़ी भूमिका होती है, लेकिन एक चीज़ और बता दूँ इसको, इस बार लोक रंग चार में मैं इसी बात को लिखा हूँ, ऐसे संकट के दौर में सांस्कृतिक कर्मियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपनी रचना धर्मिता से समाज के अंदर चेतना पैदा करें कि वो कोरोना काल में कैसे मुकाबला कर सकते हैं। वे माइग्रेशन में जो मजदूर हमारे चले आ रहे हैं सड़कों पर, खून पैरों में खून बहाते हुए, उनके बीच में हम कैसे उनके जीने की ताकत को बरकरार रख सकते हैं। लेकिन एक और बता दूं कि सांस्कृतिक कर्मी स्वयं एक जीवन जीता है, और बहुत ही वो गरीब परिवारों के लोग होते हैं जो सांस्कृतिक कर्म में लगे हैं। लोग कोरोना काल में जिस तरह हम लोग ने व्यवहार किया सांस्कृतिक कर्मियों के, लोगों ने अपने ढोलक बेच दिए, अपने हारमोनिया बेच दिया, और बहुतों ने आत्महत्याएँ कर ली, क्योंकि हमारे लिए सांस्कृतिक कर्म दोयम दर्जे का हमने मान रखा है, उसका कोई हमारे पास महत्व नहीं है, जबकि दुनिया में कलाकारों को बहुत महत्व दिया जाता है। मेरे पास तमाम उदाहरण है जिसको मैंने अपने संपादकीय में लिखा है। हिसार में इसी हरियाणा के एक बहुत मशहूर नाल वादक ने अपने ढोलक को बेचा है, रोटी के लिए बेचा है कोरोना काल में। आप सोचिए कि कितनी बड़ी त्रासदी से हम गुजर रहे हैं। एक बड़ी भूमिका होते हुए भी हमारी सांस्कृतिक कर्मियों की, शासक वर्ग की, सत्ता की यह जिम्मेदारी बनती है कि सांस्कृतिक कर्मियों की हिफाजत करे, उनको न्यूनतम जीने की गारंटी दे। अगर वो आप नहीं देंगे तो हमारी लोक संस्कृतियाँ भी खत्म होगी, सांस्कृतिक कर्मी भी खत्म होंगे, और समाज के एक बंजर बन जाएगा। बिल्कुल ये सही बात है कि अगर हमारी संस्कृति मर गई, हमारी सभ्यता मर गई, तो फिर बचेगा क्या समाज में? और उस संस्कृति को और सभ्यता को बचाने की कोशिश है इस लोक रंग के माध्यम से। सर, आपने हमारे साथ बातचीत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।